हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डे 32 और कह सकते हैं कि 12वीं क्लास हमारी ये 10th से जो शुरू की थी वहाँ तक पहुँच गई। टोटल क्लासेस 32 हो गई हैं। अब चेक कर लीजिए आप कि जब पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर पाओगे या नहीं। इन्हें कर पा रहे हो तो वो भी कर पाओगे, इन्हें नहीं कर पा रहे हो तो इन्हें करने की कोशिश करो प्रैक्टिस से, फिर तभी हो पाएंगे वो क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर में आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले में रामेश्वर एक व्यक्ति का नाम है, कोई बड़ी बात नहीं है, व्यक्ति का कोई भी नाम यूज किया जा सकता सब्जेक्ट में। अब जब ये रामेश्वर सिंगुलर है तो हैज बीन लगा हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आपको हो तो बता देना। और हैज बीन है तो आईएनजी लगी हुई है, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ रह रहा है, यहाँ के लिए हियर भी सही है। फिर हमारा सिंस जो है बच्चों वो इस पीरियड ऑफ टाइम के साथ में, अच्छा बात अब ये आती है सर पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए बहुत बड़ी क्लास पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन ये प्रैक्टिस की क्लास है, ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बस इतना कह सकता हूँ आपसे मैं। घड़ी की जो सुई होती है सेकंड, वहाँ से आगे बढ़ो मिनट पे, मिनट से घंटे पे, आवर पे, आवर से डे पे, डे से वीक पे जो सप्ताह होता है, सप्ताह से मंथ पे, महीने पे, मंथ से ईयर पे, और ईयर से डिकेड पे जो दशक होता है, और डिकेड से सेंचुरी पे, और सेंचुरी पे से एज पे। ये सब पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन ये भी 100% पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहते, इनका भी कुछ तरीका है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम भी बन जाते हैं। तो इसके लिए बच्चों क्लास की जानकारी आपको पास होनी चाहिए, आपके टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा, मेरे पास पढ़ते हो तो मैंने पढ़ाया होगा। फिलहाल ये 6 मंथ्स जो हैं ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये सिंस काम नहीं कर पाएगा, आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर पहला ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हिज पार्टनर बढ़िया है, हैज़ बीन बढ़िया है, विद हिम बढ़िया। एक बात यहाँ अगर आपको लग रही हो कि सर इसमें आईएनजी नहीं आई है, तो बिना काम वाले सेंटेंस भी दुनिया में होते हैं। विदाउट एक्शन वर्ब, विदाउट मैन वर्ब जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं सेंटेंस, ये बिना काम वाला है, क्या टेंशन है इस बात की। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 4 जो है लास्ट प्लस समय, ध्यान दें लास्ट हो फिर एक टाइम हो, कोई काउंटिंग ना हो बीच में कि 1 2 3 4, बस लास्ट और समय हो, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इसे लिखते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम में, आप नोट कर ले इसे। इसलिए 4 नहीं आएगा बच्ची, क्या आएगा यहाँ पे, सिंस। ये मामला लास्ट प्लस समय का था, अब बढ़िया हो गया, हिंदी बन जाएगी उसका पार्टनर पिछले साल से उसके साथ है। क्वेश्चन नंबर 3, माई एल्डर ब्रदर ठीक है, मेरा बड़ा भाई, हैज़ बीन ठीक है, वर्किंग ठीक है, हियर मेरा बड़ा भाई यहाँ काम कर रहा है। अब आते हैं सिंस द लास्ट 2 ईयर्स, अब बात यह आती है सर सिंस वहाँ सही था लास्ट प्लस समय के साथ, तो क्या यहाँ सिंस सही है, नहीं, ये मामला कुछ और हो गया, ये मामला हो गया लास्ट प्लस काउंटिंग प्लस ईयर्स का, और ये पीरियड ऑफ टाइम में रखा गया है, लास्ट प्लस गिनती प्लस समय को पीरियड ऑफ टाइम में रखते हैं, आप इनके टुकड़े कर सकते हैं, गिनती के तो टुकड़े वैसे भी हो जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है हमारा वो क्या होगा, 4। दोनों में फर्क है, वो लास्ट प्लस समय है, ये लास्ट प्लस गिनती प्लस समय है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना चाहिए, ख़त्म हो गया। मेरा बड़ा भाई यहाँ पिछले 2 सालों से काम कर रहा है, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4, युवराज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, अब देखें आप 15 ईयर्स, और आप जानते हैं ये पीरियड ऑफ टाइम होता, आंसर आएगा 4। तो युवराज जो है वो क्रिकेट 15 सालों से खेल रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, युवराज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप एक चीज़ देख रहे हैं 15 ईयर्स के साथ में किसे जोड़ दिया गया है, अगो को, ये बात आपको नोट करनी चाहिए। जितने भी पीरियड ऑफ टाइम है 2 मंथ्स, 6 ईयर्स, 5 वीक्स, 5 डेज, अगर इनके लास्ट में अगो लग जाए और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो, तो आपको फिर 4 का नहीं बल्कि किसका इस्तेमाल करना होता, सिंस का। ये तो बातें हैं काम की आपके लिए, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्लास, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड वेरी यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसलिए यही क्लास आपके लिए पढ़ाई जा रही है, सिंस और 4। विराट कोहली हैज़ बीन प्लेइंग 2 डिकेड्स, हम बोल रहे हैं कि विराट कोहली खेल रहा है 20 सालों से, मींस 2 दशकों से। इस सेंटेंस का हमारे जो एक्चुअल फैक्ट है उनसे कोई लेना देना नहीं है, हालांकि वो 20 साल से खेल रहा है ऐसा बोल सकते हैं बचपन को लगा करके, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा भारत के लिए, तो कह सकते हैं ऐसा कि 20 सालों से क्रिकेट खेल रहा है।
अब आप ये बताइए, टू डिकेड्स, डिकेड में 10 साल होते हैं, इसमें 20 साल हो गए हैं, तो साल तो हमारे पीरियड ऑफ टाइम में है, या ऐसे नोट कर लो डिकेड भी पीरियड ऑफ टाइम में है। आंसर आएगा बच्चों इसका फॉर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, नोट कर लेना, फॉर लॉन्ग नहीं होता, सिंस लॉन्ग होता है। अगर होता फॉर ए लॉन्ग टाइम तो बढ़िया होता। ये वो एरर है जो पेपर में पूछी जा सकती है या पूछी गई हो। फॉर लॉन्ग लंबे समय से गलत बात है, सिंस लॉन्ग या फिर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो दो फ्रेज हैं आपके पास, सिंस लॉन्ग यही है या फॉर ए लॉन्ग टाइम, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, मीनिंग लगभग सेम है दोनों का। तो यहाँ फॉर काट के सिंस करना आपको, या फिर यहाँ होना चाहिए था फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो है नहीं, तो सिंस लॉन्ग। वी हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट इन इंडिया, हम लंबे समय से भारत में क्रिकेट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज बीन लिविंग विद अस। देखो ये होती है पूरी बात न सुनने का दुष्परिणाम और पूरा सेंटेंस न पढ़ने का दुष्परिणाम। अगर आप यहाँ तक देखो सिर्फ तो हमारा फोर बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये कहाँ तक है बच्चों, पूरा, और ये परसों है, सॉरी तरसों है, ये कल यस्टरडे, उससे पहले डे बिफोर यस्टरडे, उससे पहले टू डेज बिफोर यस्टरडे। और जब हमारे पास यस्टरडे हो या डे बिफोर यस्टरडे हो या टू डेज बिफोर यस्टरडे अगर है, तो ये बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में रखा गया, ख़त्म हो गया। इतनी सी क्लास थी आपकी, ये और क्लासेस दूंगा जल्दी ही मैं, एट का, इन का, ऑन का, बाय का, फ्रॉम का यूज़ भी सिखाऊंगा, कि सिंस हटना शुरू होगा और वो आने शुरू हो जाएंगे, क्या वजह है आगे बताएंगे। फिलहाल 9 नंबर पे है हमारा बेटर हाफ, एक इडियम है, और आप जानते हैं ये वाइफ होती है पत्नी। एक है फिर 10 नंबर पे ए स्मॉल फ्राई, ये होता है महत्वहीन कोई चीज़ या जिसका कोई महत्व ना हो, ऐसा इंसान, बहुत छोटा सा इंसान जिसे बोल सकते हैं आप, इसकी कोई वैल्यू ना हो। फिर आते हैं एसिड टेस्ट, तो ये होता है बच्चों डिफिकल्ट टेस्ट, जिसमें अपने आप को सिद्ध करना होता है कि वो अच्छा है या नहीं, और बड़ा मुश्किल स्थिति से गुजरना होता है। बातें खत्म हो गई, बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लेकिन सॉरी, एक क्वेश्चन मैं ड्रॉप करूंगा आपके लिए, जो काफ़ी शुरू से मेरी क्लास दिमाग में था, वो भूल गया था मैं, दोबारा देखो बोर्ड पे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इसी के ऊपर कर रहा हूं मैं, सिंस और फॉर के ऊपर। सवाल है, शी हैज बीन इन दिल्ली, और ब्लैंक, और लिख दिया मैंने यहाँ पे 5 months और अगो, और ऑप्शन पहला फ्रॉम, ऑप्शन दूसरा सिंस, ऑप्शन चौथा, तीसरा फॉर, बस 3 ही ऑप्शन है आपके लिए। आप अपने आप समझ के, जो आपकी समझ है, जो आपने समझा हो मेरी क्लास में, या जो आपने पढ़ा हो मेरे पास में, या कहीं भी, उसके हिसाब से आपको बताना फ्रॉम आएगा या सिंस आएगा या फॉर आएगा। रिप्लाई करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, बड़ा अच्छा सेशन है वो, बच्चे एंजॉय करते हैं, हमें भी अच्छा लगता। और फिर वही बात, वी डोंट केयर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग माई वीडियोज, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कितने बच्चे वीडियो देख रहा है, मुझे परवाह इस बात की होती कि जो देख रहे हैं उनके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएं, ताकि उन्हें फ़ायदा मिले, उन्हें हमारे ऊपर भरोसा करने का, जो एक उन्होंने किया है उसे झूठा साबित ना करें हम, उनका भरोसा बना रहे और वो कामयाब होते रहें जैसे कि होते आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।